हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु मंदिर टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के मंथ के करंट फीलिंग्स की। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि जनवरी के मंथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड उनके प्लान्स क्या है और वो क्या चाहते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और देखते कि क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Ten of Wands, Three of Swords, the Emperor, Judgment, the Emperor. Okay. तो हमारे पास है Three of Swords. I think आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन अभी आपसे दूर है या सेपरेटेड है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स किसी ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। तो या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना इम्पॉसिबल है, इनका क्रश जरूर है आप पे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के कारण पहले ही पीछे हट रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन आपका एक्स हो एंड आप दोनों को लगता है कि आपने सोच समझ के फैसला लिया है और ये ना कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसलिए ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा। टेन ऑफ वॉन्ट्स है, एक बोझ के बारे में जो ये पर्सन कैरी कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। ये पर्सन अब थक चुका है। जनवरी के मंथ में ये पर्सन बहुत टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करेगा। इन्हें ये फील हो रहा है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया इस रिलेशनशिप से दूर जाने का, वो एक्चुअली इन्हें हार्म कर रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें लगा था कि ये जो रिलेशनशिप है ये उनका स्पेस और फ्रीडम ख़त्म कर रहा है। या आप डोमिनेटिंग हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि सच ये था कि ये पर्सन द एम्परर था। आई मीन ये पर्सन वो पर्सन है जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था आपको। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ये पर्सन आपसे अब तक नहीं कह रहा था, पर अब इस पर्सन को लगता है कि ये जो बातें आप दोनों के बीच हुई, जो भी इश्यूज हैं या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म हो जाए। ये पर्सन जनवरी में बहुत कोशिश करेगा कि ये आपके बारे में ना सोचें। ये कोशिश करेंगे आपको जज करने की। या आप कार्ड देख रहे हैं जजमेंट का, ये पर्सन आपको जज करेगा, आपको कहेगा कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया एंड आपने उनका दिल तोड़ दिया या आपने ही उन्हें अकेला छोड़ा है। इस तरह की चीज़ें आपसे कही जा सकती है, पर ये फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के वर्ड्स हैं, इन्हें ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। और ये पर्सन आपसे ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि ये खुद को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप बुरे हैं और उन्हें इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे कि खुद से शाउट करके कहना कि ये काम नहीं कर सकता, ये जो रिलेशनशिप है ये नहीं चल सकता, अब उन्हें आपके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो ये खुद को फोर्स कर रहे हैं जनवरी में, ओके, कि ये आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं या ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी आप दोनों को एक रिलेशनशिप में आने नहीं देगी, और अगर आप आ गए तो कभी ये रिलेशनशिप अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, एंड तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। द एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे। एम्प्रेस का कार्ड है हैप्पीनेस के बारे में, एम्प्रेस का कार्ड है खुशियों के बारे में, एम्प्रेस का कार्ड है लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को समझदारी से लेने के बारे में। इस पर्सन को आपको देख के ऐसा लगता है कि आप हर तरीके से कंप्लीट हैं। इनफैक्ट आप गॉर्जियस भी हैं, आप हर चीज़ का सॉल्यूशन जानते हैं या आप एक बेहतर सिचुएशन में हैं, एंड ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। मगर कभी कभी इन बातों से थोड़े जालस भी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कहीं आपसे कम पड़ रहे हैं या कम है कहीं ना कहीं से। तो डेफिनेटली
आप उनसे बेहतर डिजर्व करते हैं या उन्हें रिजेक्ट करेंगे। इस तरह की बातें इनके दिमाग में बैठ गई हैं और ये इनसिक्योरिटीज इनको थोड़ा सा बिटर बना सकती हैं। पर सच ये है कि ये जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, उतनी ही ज्यादा ये फीलिंग्स स्ट्रांग होती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा ये अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे। जो चीज़ें ये भूलना चाहते हैं वही चीज़ें इन्हें बार बार याद आ रही हैं और इनके दिमाग में इको कर रही हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The Hierophant, the High Priestess, Ace of Wands, and Eight of Cups. The Hierophant है wisdom के बारे में। इस person को ऐसा लगता है कि ये जो wisdom है वो कहीं ना कहीं सब कुछ जानता है पहले से। ये बात हो रही है आपके विस्टम की। इस पर्सन को लगता है कि आप सब कुछ समझते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड किसी भी तरीके से ये पर्सन आपको ये बिलीव नहीं करवा सकता कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, या अपने तरीकों से चीज़ों को हमेशा हैंडल नहीं कर सकता। इस पर्सन को एक बात समझ में आ रही है इस जनवरी के मंथ में कि उन्हें आपको वही रिस्पेक्ट देनी होगी जिसके आप हकदार हैं। द हाई प्रीस्टेस है एक मिस्ट्री के बारे में। जनवरी के मंथ में इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप अब कंफर्टेबल नहीं हैं अपने सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर करने में, या आप अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए अपने सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर करने में। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपका इंट्यूशन, आपका विजडम इतना स्ट्रांग है कि आप अपने लिए चॉइसेस कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, तो एस ऑफ वॉन्ड्स है ब्लेसिंग्स के बारे में, एस ऑफ वॉन्ड्स है हैप्पीनेस के बारे में, एस ऑफ वॉन्ड्स है हर उस चीज़ के बारे में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक शुरुआत है जनवरी के मंथ में। ये पर्सन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, जज कर सकता है आपको, लेकिन इस बात की शुरुआत हो चुकी है इस जर्नी की, जिसमें ये पर्सन ये रियलाइज करेगा कि आप एक्चुअली में उनके लिए एक एंजल हैं। आपने उनकी जिस तरह से मदद की है, जिस तरीके से आपने खुद को इस रिलेशनशिप में डेडिकेट किया है, ये किसी और से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्य यहाँ पे। एट ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये भी रियलाइज होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कंप्लेनिंग हो गए थे, आपने उन्हें एट ऑफ कप्स दिया मगर शायद उन्हें 10 ऑफ कप्स चाहिए था। तो बजाय इस चीज़ पे ध्यान देने के कि आप जितना हो सकता उतना कर रहे हैं, ये पर्सन हमेशा इस बात पे फोकस करता रहा कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड वो दो कप यहाँ से गायब क्यों है? ये ऐसा है जैसे आपने 8 चीज़ें कर दी 10 में से, मगर ये पर्सन बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस है जो आपने नहीं किया। और ये जो जिद है इनकी, इन्हें समझ में आएगा कि ये सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी के मंथ में ही पर्सन बहुत कुछ रियलाइज करेगा। एंड एक और चीज़, इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो कुछ भी इनके पास है वो काफ़ी नहीं है। वो आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी बराबरी करनी चाहिए, पर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण हो सकता है इनके लिए जनवरी में। हालांकि ये जो मंथ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, मगर ये शुरुआत है एक ब्यूटीफुल जर्नी की। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, आप स्ट्रांग हैं। कभी खुद को डाउट मत कीजिए कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये जो कुछ भी आज हो रहा है आपके साथ,
उसके लिए यूनिवर्स आपको कई लाइफ टाइम से तैयार कर रहा है। यूनिवर्स हमेशा हमें उन चैलेंजेस के लिए पहले ही प्रिपेयर कर देता है जो हमारे सामने आने वाली हैं। तो अगर ये चैलेंज आपके सामने आया है तो ये बात याद रखिए कि इसको हैंडल करने की ताकत आपके अंदर है और आप ये कर जाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन कैसा फील कर रहा है जनवरी के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।